नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। दुबई का पहला सार्वजनिक हिंदू मंदिर दशहरे पर आम लोगों के लिए खुल रहा है। इसका औपचारिक उद्घाटन मंगलवार रात हुआ। आज इसे आम श्रद्धालु 16 देवी देवताओं के दर्शन कर सकेंगे। सफेद संगमरमर से बने इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। मंदिर के एक ट्रस्टी राजू श्रॉफ के मुताबिक मंदिर निर्माण के UAE के रूलर्स और कम्युनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA ने सबसे अहम भूमिका निभाई। इस मंदिर में डिजिटल लाइब्रेरी और वैदिक लैंग्वेज क्लासेस भी होंगी। मंदिर की एक वेबसाइट भी तैयार की गई है। यह मंदिर जाबिल अली एरिया में है, पूजा गांव का भी कहा जाता है। इस इलाके को वर्शिप विलेज या पूजा गांव भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि यहां 6 चर्च और 6 श्रद्धालुओं के लिए बेहद खूबसूरत गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा भी है। मंदिर में सभी देशों और मजहब के लोग आ सकते हैं। यहां सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब भी मौजूद है। मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत और बारीक नक्काशी भी देखी जा सकती है। मंदिर का आर्किटेक्चर देखते ही बनता है। यह एक बड़ा प्रार्थना सभागार है। इसी में ज्यादातर देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। इसकी सफेद दीवारों के ऊपर 3D प्रिंट वाला गुलाबी रंग का कमल पुष्प बनाया गया है। यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी है। वैदिक भाषा से जुड़ी जानकारी के लिए फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेज भी ऑर्गेनाइज की जाएंगी। जरूरतमंदों की मदद के लिए मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटीज भी होंगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।